अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बेसन के लड्डू। तो हमने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है और 1 कप फुल भरकर हमने यहाँ प्योर घी लिया है। तो सबसे पहले हम बेसन को अच्छी तरह घी में भून लेते हैं और यहाँ एक पैन में हम ये घी डालेंगे और घी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और जब ये घी हल्का सा गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे इसमें ये बेसन। गैस की फ्लेम को हम यहाँ मद्दा रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे और यहाँ हम लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। तो बेसन को भूनते हुए हमें 12 से 15 मिनट हो गए हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए ही भून रहे हैं और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल मद्दा रखा है। और अब यहाँ पर बेसन में हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई है। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे और बेसन ये घी छोड़ दे तो यहाँ पर आप समझे कि बेसन अच्छी तरह भून गया है। तो अभी हमें यहाँ 12 से 15 मिनट हुए इसे भूनते हुए, अभी हम इसे थोड़ा और भूनेंगे। और यहाँ आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल मद्दा रखें और मध्य फ्लेम पर ही आप इसे लगातार चलाते हुए भूनें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बेसन को भूनते हुए पूरे 30 से 35 मिनट हो गए हैं और बेसन यहाँ अच्छी तरह भुन गया है और इसमें से अच्छी खुशबू भी आने लगी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें से ये घी भी बेसन ने छोड़ दिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये इलायची पाउडर। तो हमने यहाँ 1 टीस्पून ये इलायची पाउडर लिया है, ये डाल देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो बेसन यहाँ अच्छी तरह भुन गया है और लड्डुओं को थोड़ा सा दानेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टीस्पून के करीब पानी। तो पानी हम हाथ पर इस तरह लेंगे और इसे इस तरह हम हाथ से छिड़काव करेंगे पानी का। और इसे अच्छी तरह भून लेंगे और ये झाग खत्म होने तक हम इसे भूनते जाएंगे। जब यहाँ इसका झाग खत्म हो जाएगा फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ बेसन में से ये पानी का झाग खत्म हो गया है और पानी हमने यहाँ बहुत कम डाला है, 1 या 2 टीस्पून लेकर और हाथ से हमने इस तरह छिड़काव किया है। तो पानी यहाँ पर ध्यान से और हाथ से छिड़काव कर ही डालें। तो यहाँ ये सारा झाग सूख गया है। अब यहाँ पर डाल देंगे हम 3 से 4 काजू, इन्हें हमने बारीक काट लिया है, और 3 से 4 बादाम, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे ना डालें। तो यहाँ हम ये डाल देते हैं काजू और बादाम, अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ हमने ये काजू और बादाम को भी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब कर देंगे हम गैस की फ्लेम को बंद और इसे होने देंगे ठंडा। तो बेसन को हमने यहाँ थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, बेसन हमें यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम इसे गर्म रहने देंगे। अब डाल देंगे हम इसमें ये चीनी। तो चीनी हमने यहाँ 1 कप ली है और इसे अच्छी तरह पीस लिया है। तो अब हम ये चीनी ये बेसन में डाल देंगे और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ बेसन और चीनी को हम हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ बेसन में हमने चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब बनाते हैं हम इसके लड्डू। तो लड्डुओं को हम ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा बनाएंगे। तो हमने यहाँ ये लड्डू को बना लिया है। अब लगा देंगे हम ऊपर से ये पिस्ता। तो इस तरह के लड्डू हम बना लेंगे और इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। लीजिए, बहुत ही मजेदार से ये बेसन के लड्डू बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।